नमस्कार, देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बंगाल के पंचायत चुनाव में भारी हिंसा के बाद आज वोटों की गिनती चल रही है। जैसा कि अनुमान था, ममता बनर्जी की टीएमसी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बहुत से नतीजे एक तरफा तय हैं क्योंकि सामने कोई उतरा ही नहीं। वोटिंग की तरह आज काउंटिंग के दौरान भी कई जगह हिंसा हुई। डायमंड हार्बर के काउंटिंग सेंटर पर देशी बम से हमला हुआ। वहीं मालदा के काउंटिंग सेंटर पर दो पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। 8 और 9 तारीख की हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हिंसा के डर से पलायन भी हुआ है। कई लोगों ने भागकर असम में शरण ली है। मरने वालों को लेकर हर पार्टी के दावे हैं कि उसके लोग ज्यादा मरे हैं। इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ बीजेपी और कांग्रेस और लेफ्ट को निशाने पर ले रही हैं। कांग्रेस भी ममता पर हमला कर रही है, लेकिन अधीर रंजन को छोड़ दे तो बाकी नेता बहुत नाप तोल कर बोल रहे हैं। यहीं से खबर के नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। यही हिंसा किसी बीजेपी की सरकार वाले राज्य में होती तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं के बयानों की झड़ी लगी होती। अभी भी इन पार्टियों की ट्विटर टाइमलाइन पर जाएंगे तो मणिपुर हिंसा से उनकी ट्विटर टाइमलाइन भरी हुई है। लेकिन सवाल है कि बंगाल हिंसा पर इतनी खामोशी, इतना सिलेक्टिव कमेंट क्यों? क्या इसलिए कि 24 में मोदी के खिलाफ ममता से बनाकर रखनी है? ऐसा कुछ भी लिखना या बोलना नहीं है जिससे ममता से बात बिगड़े। बीजेपी ने आज इसी पॉइंट को पकड़ा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बीजेपी ने पूछा कि बंगाल की चुनावी हिंसा पर महागठबंधन मौन क्यों है। राहुल गांधी से भी पूछा कि वो अपनी मोहब्बत की दुकान बंगाल में कब खोलने जा रहे हैं। आज ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में 17 और 18 की महागठबंधन बैठक के लिए 24 पार्टियों को निमंत्रण बांटा। अब इंतजार करना होगा कि महागठबंधन इस हिंसा पर बोलता है या नहीं बोलता है। अगर ममता का फेवर करता है तो उसका आगे इंपैक्ट क्या होता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। काउंटिंग टोटली फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है और इसे मदद दे रहे हैं प्रशासन लोग। जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा न हमने कभी देखा था न किसी चुनाव में सुना था। Because there should be a fair elections, otherwise there will be no democracy. कैसे भी मैं सत्तासीन हो जाऊं, मैं सत्तारूढ़ हो जाऊं और अगर हमारे लोग हत्या कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वहां मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है। Blatant abuse of power and hooliganism on display by BJP with the central forces. एजेंट लोगों को बाहर कर दिया और वहां पे बाहर से लोग आके भर के कल रात से रख दिया है काउंटिंग का जो रूम है उसमें। टीएमसी की जमीन बुरी तरह खिसक गई बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र से और इसीलिए उन्होंने हर हथियार अपनाया वोट लूट के। लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है। तो इसी पर बात करेंगे। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अगर ये हिंसा कहीं उत्तर प्रदेश में हो रही होती तब क्या करती पॉलिटिकल पार्टियां, जरा इसके बारे में भी सोचिए। सोचिए किस तरह का हल्ला मचता, चाहे लेफ्ट होता, चाहे सेंटर यानी कांग्रेस होती और चाहे वो तमाम सेक्युलर पार्टियां होती। इसी पर बात करेंगे। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। जूही विश्वास जी टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। फैज अहमद खान साहब नेता है सीपीआई के, वो मेरे साथ है। चंद्र घोष
घोष साहब स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आज मुझे लगता है कि घोष साहब, घोष बाबू को कोलकाता से बिठाया गया है क्योंकि दिल्ली के स्पोक्स पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। डीके दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। चंदन घोष साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले, अगर ये हिंसा कहीं उत्तर प्रदेश में हुई होती योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो आप तो सर पर पूरा देश उठा ले होते अब तक। देखिए सबको नमस्कार, लेकिन एक बात आप जहां से शुरू की है, आई थिंक ये थोड़ा सेंसिटिविटी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आज बंगाल में पूरा इतना ब्लडशेड हुआ और इतना इलेक्शन का नाम पे, चुनाव का नाम पे इतना सारे उत्साह लीला किया, तो इसमें थोड़ा पहले ये ध्यान देना चाहिए बंगाल का हालत क्या है, बंगाल का छिन्नमूल का जो सरकार है वो क्या करे, ये तो पहला सवाल। आपकी पार्टी के बड़े नेता तो बोल ही नहीं रहे ना सर, राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली नहीं वेस्ट बंगाल में। आपका बात में समझ गए, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश से शुरुआत नहीं हो के मणिपुर से भी हो सकती, मतलब ये है, ये मुद्दा क्या है, मुद्दा है बंगाल का चुनाव। मैं तो मणिपुर बार बार बोल रहा हूँ, मणिपुर से आपकी टाइमलाइनें भरी हुई है, लेकिन आपका कोई भी नेता पश्चिम बंगाल के बारे में बात करना नहीं चाहता है, ये दिक्कत है घोष बाबू। बात ये है ये पहले चर्चा होना चाहिए, ये बंगाल का आज धूप का दिन है, क्योंकि आज काउंटिंग हुआ, काउंटिंग में भी तय नहीं किए, एक हुलिगैंडिज्म चला, तो जहां जहां पे ये मतलब काउंटिंग भी हुआ वहीं पे भी ये लोग मैनिपुलेट किए, ये चुनाव लोग, तो ये चर्चा होना चाहिए क्या रिगिंग ये लोग कर रहे हैं, क्या चुनाव का नाम है, क्या कर रहे हैं, और सेंट्रल कोर्ट जो डायरेक्शन था मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव था ये मना दिया कि नहीं, हम लोग तो पहले से बोले हैं, हम लोग केस भी किए, आप जानते हैं ये अधीर रंजन चौधरी जी केस भी किए हैं, उसके बाद सेंट्रल से जरूरत की भी आए तो यही पे सेंट्रल फोर्सेस आना, तो सेंट्रल फोर्सेस 315 कंपनीज आउट ऑफ 822 315 कंपनीज आए, इमेज भी पहले ले से लाया हुआ 485 कंपनीज, ये क्या टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ये क्या हुआ, ये चुनाव में मतलब ये डाल गया दिया गया जो जैसे ब्लड से नहीं ये होते रहे, ये तो क्यों किए, सेंट्रल फोर्सेस का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हुआ क्यों नहीं, और होम मिनिस्ट्री क्यों एक्शन नहीं लिए जो सेंट्रल फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें जो कुछ बंगाल में हुआ इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। आप ये कह रहे हैं चंदन दादा आप ये कह रहे हैं अमित शाह जिम्मेदार है इसके लिए? अमित शाह नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना अमित शाह जी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ होम मिनिस्टर के बारे में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब ये राज्य सरकार भी है, लेकिन ये तो फर्ज बनता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे इतना मर्डर हो रहा है, 42 मर्डर इन एन इलेक्शन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एक्शन है, होम मिनिस्ट्री का क्या एक्शन है, और सबसे बड़ा ये बात है ना जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था वो 822 कंपनी बोली सेंट्रल फोर्सेस वो भी नहीं भेजा गया, एक दिन पहले भेजा गया और डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जो होना होने वाला था वही हुआ, तो इसमें सवाल क्यों उत्तर प्रदेश का है, क्यों मणिपुर का है, सवाल ये बंगाल का है, और बंगाल में जो सरकार चला, यही तो पूछ रहा हूँ सर, बंगाल के बारे में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान क्यों बंद है, मैं यही पूछ रहा हूँ चंदन बाबू कि बंगाल के बारे में राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खोली, बंगाल में क्यों नहीं खोली मोहब्बत की दुकान जहाँ लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी जी मेरा जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है खड़गे जी उनका स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन पवन खेरा जी उनका स्टेटमेंट है, पर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुली, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी क्यों चुप है? राहुल गांधी जी अगर नहीं भी कहे मेरा प्रेसिडेंट है, और राहुल गांधी जी का बात भी हम लोग के साथ, हम लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जो फाइट कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी का मतलब डायरेक्शन है हम लोग को, ठीक है। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ, प्रेम शुक्ला जी जिम्मेदारी अमित शाह की ज्यादा है, ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोला, लेकिन खड़गे जी ने ममता जी का नाम ही नहीं लिया, और राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान का शटर बंगाल के पंचायत चुनाव में बंद कर दिया। देखिए कांग्रेस का दोहरा मानदंड तो हर किसी के सामने बेनकाब है, किस तरह से बंगाल में लोकतंत्र को शोक तंत्र में तब्दील करने की निर्ममता ममता बनर्जी ने की है ये पूरी दुनिया ने देखा है। 45 लोगों की हत्या हो जाती है,
40,000 फॉर्म कुछ मिनटों में कुछ घंटों में भर दिए जाते हैं, विरोधियों को जो है अपना घर मकान परिवार छोड़कर जो है दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता है, लगातार हिंसा की गतिविधियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट तक सुश्री ममता बनर्जी की सरकार यह जाकर कहती है कि हमको सेंट्रल फोर्सेज की आवश्यकता नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन मतदान के दिन की हिंसा को समर्थन करता है, पुलिस उस हिंसा में बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के पाले हुए गुंडों की तरह हरकत करती है, मतगणना के समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मतगणना केंद्रों पर हिंसा की 34 शिकायतें की गईं, एक भी शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई नहीं की। अगर इसको श्रीमान राहुल गांधी लोकतंत्र मानते हैं तो आप निश्चित समझिए कि जो फिरोज गांधी उनके पितामह कांग्रेस को फांसीवादी संगठन 1959 में कह रहे थे, वो 2024-23 में ये सिद्ध है कि एक फांसीवादी संगठन, एक अलोकतांत्रिक संगठन, एक हिंसा तंत्र को समर्थन देने का दुष्कांड राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रच रही है। जो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, वो बंगाल में खुले हुए मेगा मॉल में नग्न नृत्य करने पर आमादा है, यह सबके सामने दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी का नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। राहुल गांधी जो किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे मुद्दे पर भी ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, भारत के लोकतंत्र को खतरे में पाते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से हस्तक्षेप की गुहार लगाने लगते हैं, वो राहुल गांधी जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, ये उनके दोहरेपन का सीधा प्रमाण है। कांग्रेस का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और उसी कांग्रेस की संतान तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसका भी लोकतंत्र में नहीं, शोक तंत्र में, हिंसा तंत्र में विश्वास है। आप अपने विरोधी कार्यकर्ता के परिजनों पर बलात्कार करेंगे, गर्भवती महिला का पेट चीर देंगे, ऐसी नृशंसता करने के बाद आप लोकतंत्र की दुहाई भी देंगे, ये संभव है क्या? ये इनकी बेशर्मी है और इस बेशर्मी के लिए यह देश निश्चित तौर पर न कांग्रेस को माफ करेगा, न तृणमूल कांग्रेस को माफ करेगा और न उनके बगल बच्चे सीपीएम को माफ करेगा, क्योंकि कांग्रेस में विधान चंद्र राय ने बंगाल में हिंसा का एक जो दुष्चक्र शुरू किया था जिसको सीपीएम ने बढ़ाया और अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है पूरे प्रदेश में हिंसा का तांडव कर रही है, ये निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और कार्रवाई के योग्य है। ठीक है, मैं सीधे एसवी विश्वास जी के पास चलता हूँ। चंदन जी, जवाब सोचकर रखिएगा, काफी भिगो भिगो के अपने आक्रमण किए हैं प्रेम शुक्ला जी ने। वैसे मैं आपको कहूँ कि आप अपनी कनेक्टिविटी भी देख लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से मेरे पास चंदन दादा पहुंच नहीं रही है, तो मैं चाहूं अगर आप अपना ऑडियो फोन पर दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जूवी विश्वास जी, अब लोकतंत्र का नाम आता है और पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो क्या दिखाई देता है सबको? देसी बम। क्या दिखाई देता है? हिंसा। कैसी इमेज बन गई है पश्चिम बंगाल की, और आपको इस इमेज की फिक्र भी नहीं? जो भी विश्वास जी, दीपक जी, पहले बात तो मैं आपको कहूंगी कि देखिए, लोकतंत्र में जब इलेक्शन चुनाव होते हैं, उस चुनाव में कोई जीतते हैं कोई हारते हैं, तो आज तृणमूल कांग्रेस 12,000 सीट में अभी जीत चुकी है, ये जो ग्राम पंचायत का सीट है, और 3,000 में लीडिंग अभी चल रहा है, मतलब आगे चल रहे हैं। अरे मैम, वहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है जूही जी, वहाँ तो निर्विरोध जीत जाती है टीएमसी, आधे से ज्यादा सीटें, सबको पता है, आप फॉर्म ही नहीं भरने देते हैं। हाँ, मैं आपके कितने निर्विरोध जीते, आप कितने अनपोज जीते बताइए ना, सुन ले तो मेरे भी सुन लीजिए दीपक जी, एक भी नहीं। ये जो सीट के बारे में आपको बोल रहे हैं, 12,000 में जो कॉन्टेस्ट हुआ उसी का रिजल्ट बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कितनी निर्विरोध जीत चुकी है टीएमसी, प्लीज बताइए जरा। तो ये विपक्षी निर्विरोध नहीं है, ये सारे इलेक्शन का रिजल्ट, चुनाव का नतीजे बता रही हूँ मैं आपको, एक भी निर्विरोध सीट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, निर्विरोध सीट भी सामने आ जाए ना, देखिए कितनी कॉन्टेस्ट हुई, कितनी निर्विरोध है, प्लीज मुझे अखिल जी डाटा दीजिए, मेरे प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। निर्विरोध
अच्छा ठीक है, आप डाटा ले लीजिएगा, पहले मेरी बात तो खत्म हो जाए कम से कम। जो इतना ढोक रहे, इतना ज्यादा दावा कर रहे हैं विपक्ष, इनके अगर आप देखेंगे, इनके जो इनके द्वारा और इनके जो कार्यकर्ता द्वारा जितने हिंसा हुए हैं ये बहुत ज्यादा है। हमारे 19 लोग मारे गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के 19 कार्यकर्ता मारे गए हैं, लीडर्स मारे गए हैं गांव में, सबसे ज्यादा 60% लोग हमारे मारे गए हैं। तो ये विपक्षी नहीं किया होगा तो हम तृणमूल कांग्रेस तो अपने आप के कार्यकर्ता को नहीं मारेगा। तो ये जो बोल रहे हैं बॉम्ब और ये कल्चर और ये सारे कल्चर, ये वामपंथियों के टाइम से आया हुआ कल्चर है, ये मंगल ग्रह से नहीं आया है विपक्षी लोग। तो आपने उसी अपना लिया ना, वही सीपीएम का कैडर जो बम बरसाता था वो आज आपके साथ है। पंच नहीं 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 नहीं, गलतफहमी हो रही है दीपक जी। सीपीएम के जितने कैडर पहले था वो सारे भाजपा ही के साथ है, इसीलिए आज ये हो रहा है। जहाँ पर भाजपा ही लोगों का कैडर नहीं था, सीपीएम से सारे कैडर और कांग्रेस कैडर लेके भाजपा ही लोग फ्लैग लगाते हैं रात में, दिन में वो लोग सीपीएम का मिचिल में हटते हैं, रात को बीजेपी के साथ बैठते हैं। तो आज ये हालत है बंगाल में भी, यहाँ पर तो भाजपा का कोई अस्तित्व था ही नहीं 2014 से पहले। तो आज ये वामपंथियों को अपने पार्टी में ले लिया, वॉशिंग मशीन में धुल गए सब। आज टीएमसी से जितने गुंडागर्दी करने वाला नेता था उनको ले लिया, तो उनको भी सारे इन्होंने धुला दिया। इन्होंने अपने लीडर अपोजिशन को ले लिया शुभेंदु अधिकारी जी को 2021 से पहले। तो इन्होंने सारे विपक्षियों को लीडर को लेके वॉशिंग मशीन के धुला लिया। तो आप क्या करेंगे, गुंडागर्दी में शामिल हो गए वो लोग। तो हम लोग तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे, देखिए एक भी राजनीतिक हत्या हम उनके खिलाफ है, हम उनके कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सारे पार्टी को एक साथ बैठ के ये आगे एक मतलब कॉमन एक मीटिंग में एक मीटिंग बुलाया जाना चाहिए ताकि हिंसा रोक सके आने वाले चुनाव में। ये तो ममता जी को सलाह दीजिए ना, मेरे ख्याल से जी न्यूज़ मत दीजिए, ममता जी को सलाह दीजिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। सलाह नहीं दे रहे हम देखिए आज तो सिर्फ हम लोग वोट डालने नहीं जाते, विपक्षी भी तो वोट डालने जाते हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी थोड़ी भी वोट डालने जाते हैं। हम तो बोल रहे हैं ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की स्टेट में, लेकिन सेंट्रल फोर्स क्यों टाइम पे नहीं यहाँ पहुंचा है उसका सवाल तो आप लोग नहीं कर रहे, कोई भी गोदी मीडिया नहीं करेंगे। तो चलिए पूछ लेते हैं भाई, सेंट्रल फोर्स टाइम पर क्यों नहीं पहुंचा? प्रेम शुक्ला जी बताइए, जो विश्वास जी पूछ रही है आपसे, जो जी जवाब ले लेते हैं। आज ये तो कोर्ट मॉनिटरिंग सेंट्रल फोर्स जो वहां पहुंचे उनको डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? सेंट्रल फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की थी, सेंट्रल फोर्सेज को डिप्लॉयमेंट ही नहीं हुआ। और ये सेंट्रल फोर्सेज अधिकारियों का ये वक्तव्य है जो रीजनल चैनल में आ रहा है। तो सेंट्रल ये बदतमीजी कर रही है, जूझिए प्लीज, यहाँ भी वाचिक हिंसा करने पर आमादा है, ये वाचिक हिंसा पर आमादा है। ये हिंसा सिर्फ जो है वो चुनाव के मैदान में ही नहीं है, ये हिंसा सिर्फ बम और बंदूकों से ही नहीं है, ये हिंसा जो है ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के मानस में बहुत गहरे बैठा हुआ है, इसलिए वो टेलीविजन चैनल पर भी वाचिक हिंसा करने पर आमादा है। डिप्लॉयमेंट करना, सेंट्रल फोर्सेज सरकार भेजेगी, केंद्र सरकार भेज दिया, अब उसको डिप्लॉयमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन कर रहा है? वो ममता बनर्जी हेड कर रही हैं। और क्या हिंसा रोकना ये राज्य का दायित्व नहीं है? कानून एवं प्रशासन की स्थिति को सुचारू रूप से संचालित करना ये ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी छोड़ दिया है, ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं है। अगर मुख्यमंत्री पद पर रहकर वह अपने जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वाह नहीं कर सकती हैं, तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। इस तरह से शोकतंत्र करने की बजाय, इस तरह से हिंसा का नंगा नाच करने की बजाय, इस तरह से भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने का दुष्कर्म करने की बजाय, सुश्री ममता बनर्जी जो स्वयं किसी जमाने में हिंसा की शिकार थी, जिन ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग के बाहर वामपंथियों ने बुरी तरह पीटा था, जिन ममता बनर्जी पर नंदीग्राम जाते हुए सिंगूर जाते हुए प्राण घातक हमले हुए थे, और जिन ममता बनर्जी को उस समय प्राण घातक हमलों से बचाने के लिए समर्थन
भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं देती तो ममता बनर्जी को वामपंथी 2000 के दशक में ही प्राण से मार देते, उनकी जान ले लेते। लेकिन ये ममता बनर्जी की बेशर्मी है, उनका लोकतंत्र के साथ घात है कि आज वो स्वयं जब सत्ता में बैठी है तो वो नंगे हिंसा तंत्र को प्रोत्साहित कर रही है, सामान्य नागरिकों की हत्या करवा रही है, अपने विरोधियों की महिलाओं पर बलात्कार करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ललकार रही है, ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, ऐसे हत्यारों का गिरोह चला रही है। ये निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को कलंकित करने का कुकर्म किया है। जवाब दीजिए जो विश्वास जी, गंभीर आरोप है और खुद ममता पे, क्योंकि ममता जी पर, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। देखिए जो उनके साथ हुआ वही अब वो दूसरों के साथ कर रही है, ये आरोप है उनका। बोलेंगे प्रेम शुक्ला जी, आप प्रेम शुक्ला जी इतना बड़े बड़े बात बोल रहे हैं। ममता बनर्जी एक इतिहास है, ममता बनर्जी का आंदोलन का नाम है, ममता बनर्जी को किसी का सहारे की जरूरत नहीं है, ममता बनर्जी एक संघर्ष करती हुई जमीनी नेता है। वर्तमान आपकी समझ में नहीं आएगा, ये जो झूठ बोलते हैं टेलीविजन चैनल में बैठ के, जो जुमला करते हैं, जुमलाबाजी पार्टी नहीं ये से बोल सकते हैं, जो 15 लाख रुपया देने का वादा करते हैं बाद में बोलते हैं हम सब जुमलाबाज हैं, जो खुद बोलते रहते हैं। आज बम फटे हैं, अरे आपका पार्टी तो हमेशा जुमलाबाज पार्टी है, 15 लाख पैसा तक आप लोग के बैंक अकाउंट में नहीं भेजते हैं, जो हमारे बंगाल में योजना है ममता बनर्जी की, लक्ष्मी भंडार, अब इनका रक्तचाप बढ़ रहा है, घर में महिला को पहुंच रहे हैं। अरे आप हत्या क्यों कर रही है, मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पर बनाई है सभी के लिए, मेरा प्रश्न है कि आपके कार्यकर्ता बलात्कार क्यों कर रहे हैं, आज उसी मेरा प्रश्न है कि आपके कार्यकर्ता लूट क्यों मचाए हुए हैं, ममता बनर्जी ने जो, मेरा प्रश्न है कि आपके कार्यकर्ता हत्यारे क्यों बन रहे हैं, उन्होंने आपको कंटिन्यू कर दिया, आपको कंटिन्यू कर दिया, वो तो दिख रहा है आपको। बंगाल के जनता ने, मैंने आपके टाइम पे नहीं बोलाया भद्रता का सीमा उल्लंघन मत कीजिए, बलात्कार बोल के बोली थी, इसलिए बीच बीच में बोल दिया मैं, थोड़ा आपका बहुत बड़ा शब्द है बलात्कार, बलात्कारी को बलात्कारी ना कहें, चुप रहिए, थोड़ा सदाचारी कहें, सुनने का पेशेंस रखिए, बलात्कारी को सदाचारी कहें, सुनने का थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनने का। मेरा चीख क्यों रही भाई, आपका धैर्य क्यों टूट रहा है, लेक्चर सुनने नहीं आया, आपका धैर्य क्यों टूट रहा है, पेशेंस रखिए भवानी जी, आपका धैर्य क्यों टूट रहा है, आपके टाइम क्यों रही है, भद्रता का हम तो पेशेंस ही रख रहे हैं, हथियारों को देखकर भी हम पेशेंस हैं, बलात्कारियों पर भी हम पेशेंस रखे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों पर भी हमारा पेशेंस है, आप बलात्कार है, आपकी सरकार बलात्कारी है, आप भी मेरे समय बोल रही थी, रोज बलात्कार होते हैं वहाँ पर, बीजेपी का वो दिख रहा है, लो लो प्रदेश में हर रोज बलात्कार होता है, बाल बाल मत लो लेना जुई जी, आराम से, वहाँ पर डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में हो रहा है, आप मणिपुर में क्या हो रहा है उसके बारे में बोलिए, आज हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, आप बंगाल को मणिपुर बना देंगी, जो काम किया है यहाँ पर, जो जमीनी गांकी का, आप बंगाल में नंगा नाच कराएंगी तब आपको शांति मिलेगी, ये है कि ममता बनर्जी ने जो काम यहाँ पर किए है, यहाँ पर जो उन्नयन के काम हुआ है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा यहाँ किया, इतना हत्यारी सरकार कोई हो ही नहीं सकती है, पांच सौ रुपया भेज रहे है, आज इतना काम हुआ है बंगाल में, जो मैं मानता हूँ बहुत काम हुआ है बंगाल में, तीन बार से ममता जी जीत रही हैं, लेकिन मुझे इसका जवाब भी दीजिए ना, चाहे वो टीएमसी कोई भी मारा जा रहा हो, चाहे वो टीएमसी का हो, बीजेपी का हो, लेफ्ट का हो, कांग्रेस का हो, है तो बंगाली मानुषी मारा जा रहा है ना, वो आपकी पार्टी का हो, इनकी पार्टी को छोड़ दीजिए उस बात को, हम पहले भी बोले है, नहीं नहीं हाँ, हम तो पहले भी आपको ये कह चुके हैं कि कहीं भी एक भी मौत हो, ये किसी को, मतलब कोई भी पार्टी ये नहीं चाहते, हम लोग, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, अगर नहीं चाहते तो हो क्यों रहा है, आपकी सरकार है, पहले नवजोहर बोल के जो यात्रा हुआ था वो सारे, हम तो वही बता रहे हैं आपको क्यों हो रहा है, हमको वही बता रहे हैं, आपका आंसर ही दे रहे हैं, जो नवजोहर बोल के जो यात्रा अभिषेक बनर्जी ने किया था, उसने बंगाल के हर एक गांव में पहुंचा, बंगाल के कोने कोने में पहुंचा, ये मैसेज देने के लिए कि शांतिपूर्वक इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, और नॉमिनेशन ऑपोजिशन को फाइल कराना चाहिए, तो सारे ऐसे हिसाब से हुआ है। अब स्टेट जो लीडर्स है वो लोग तो नहीं चाहेंगे कि ऐसे हिंसा हो, किसी का मौत हो, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे विपक्षी को प्रतिरोध करने में
कोई कहीं पे हुआ है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके खिलाफ जो भी सजाए आने वाले दिन में उनको मिलेगा, जिन्होंने हिंसा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो भी मौत का जमींदार है उनको भेजा जाएगा जेल, तो ये कार्रवाई तो होगा जरूर। हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये सपोर्ट नहीं करेंगे कि किसी के भी कार्यकर्ता को कोई हत्या हो। ठीक है, मैं सीधे फैज अहमद खान साहब के पास चलता हूँ। फैज साहब, उनका कहना है कि अभी भी लेफ्ट के लोग हैं जो बीजेपी में चले गए, वो ये कह रही हैं लेफ्ट के लोग हैं जो बीजेपी में गए वो लोग हिंसा कर रहे हैं। क्या लेफ्ट के लोग तृणमूल में जाके हिंसा कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में जनवाद तो है नहीं, और बंगाल में पिछले दिनों जिस तरीके से चुनाव हुआ था, 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था, हम वामपंथी बोले थे 18 नहीं 23 है, क्योंकि गांव की जनता इस बार जो है वो जागरूक हो गई है और तृणमूल के जो अपशासन है इसके खिलाफ वो रास्ते में उतर रही है, और यही हुआ इसीलिए डर रही थी ममता बनर्जी। यहाँ पर कोई जनवाद नहीं है, कोई चुनाव नहीं होता है, ये पंचायत चुनाव भी वामपंथी लोग ही शुरू किए थे, नहीं हर पाँच साल में पंचायत का कॉरपोरेशन म्यूनिसिपलिटी का चुनाव होता था, यहाँ चुनाव नहीं होगा। अभी भी बहुत सारे म्यूनिसिपलिटी का चुनाव नहीं हुआ है और पंचायत का चुनाव में देर किया गया और अचानक कोई समय नहीं दिया जाएगा। 9 तारीख को घोषणा होता, उसी दिन से नॉमिनेशन फाइल, 15 तारीख तक लास्ट डेट इसके अंदर में, ताकि जो लोग हैं वो अपना वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, अपना पर्चा नहीं भर पाए, इसकी भरपूर कोशिश की। और निर्वाचन आयोग तो इतना गंदा, जिस तरीके से नंगा नाच नाचा है कि निर्वाचन आयोग का चेहरा हम लोग देखे हैं किस तरीके से, और चुनाव से पहले ही किसी को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा, जो कर रहे हैं उनको जबरदस्ती उठवाया जा रहा है, किसी अगर औरत है तो उसके पति को किडनैप कर लिया जा रहा, बच्चे को किडनैप कर लिया जा रहा, उसके बावजूद गांव की जनता चुनाव में हिस्सा लेना चाहती थी। अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, अदालत ने कहा कि वहां पर सेंट्रल फोर्स आएगा, सेंट्रल फोर्स आने में देर हुई और सेंट्रल फोर्स आकर के चुपचाप बैठी रही, चुनाव के दिन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। जिस तरीके से खून खराबा बंगाल के अंदर में हुआ, इससे पहले बंगाल में ऐसा नहीं था। बंगाल को एक जिस जगह ये ममता बनर्जी की सरकार पहुंचाई है, और अभी देख रहे हैं कि चुनावी जब रिजल्ट निकल रहा है तो यहां पर भी अपोजिशन का, और बड़ा इसका बात है कि चुनाव में पुलिस और केंद्रीय वाहिनी को कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन आज जब गिनती हो रही है तो बड़े सक्रिय हैं, यहां तक कि जहां पर विपक्षी के पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट को घुसने तक नहीं दिया जा रहा, और वहां जाकर बैलेट बॉक्स बदल गया है, बैलेट पेपर बदला है, प्रतिवाद करने पर उनको बूथ से निकाल दिया जा रहा है, यहां तक कि गिनती में अगर वामपंथी जीत रहे हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, तृणमूल को दे दिया जाएगा, ये अवस्था इस जगह पर है। तो ये अपशासन में केंद्र के सरकार का भी हाथ है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स भेजने में देर की, क्या करेंगे अमित शाह जी, फोर्स आकर के खामोश बैठी रही, कौन लेगा इसका हिसाब? लोग, आम जनता, आम लोग मारे गए, और यहां पर जो हमारे बड़े प्रेम शुक्ला जी बड़े प्रेम की बात कर रहे थे, पूरे देश के अंदर में प्रेम की बात नहीं है, अगर ऐसे ही बीजेपी करे प्रेम की बात करे तो यूपी का जो हालत है वो हालत नहीं होता, जो कह रहे हैं यूपी करेंगे बंगाल, और हम क्या हुआ यूपी में बताइए, पूरे विश्व के अंदर चार घटनाएं बताइए यूपी की, हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, रास्ते में उतरते हैं, लोगों को एकत्रित होकर के, अगर सेंट्रल की सरकार रहती, ईडी, सीबीआई, एनआईए क्या कर रही है? अभी तक तो इनको जेल जाना चाहिए, जिनको जेल जाना चाहिए वो बाहर है, एक के बाद एक घोटाला है, घोटाले पे घोटाला है, लेकिन जेल नहीं भेजा जा रहा, मिलजुल के काम हो रही है। तृणमूल कांग्रेस का भी घोटाले की सरकार हो गई है, गांव की जनता इसीलिए, जब गरीब जनता को जब उनका तिरपाल चोरी होता है, चावल चोरी होता है, तो इसलिए रास्ते में उतर के कह रही है सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ जब लेफ्ट वाले अभी भी कह रहे हैं ममता कम जिम्मेदार है, अमित शाह जी ज्यादा है, उसके ऊपर में हमला हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का एक भी इंसिडेंट बता नहीं पा रहे, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सर, चार इंसिडेंट बता दीजिए। तृणमूल का जन्म तो आरएसएस से हुआ है, आप ये बताइए ईडी सीबीआई कौन चला रहा है, ईडी सीबीआई को, अरे आप ही लोग तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट कि ईडी सीबीआई को बंद करो, जज भी, अरे फैज अहमद खान साहब आप ही लोग गए थे ना सुप्रीम कोर्ट साहब बचाओ ईडी से, बचाओ सीबीआई से, बचाओ, आपकी पार्टी थी उसमें सिग्नेटरी करके काम करे। दूसरी बात है सेंट्रल फोर्स आने में लेट किया, सेंट्रल फोर्स आकर के कोई काम नहीं, इसका मतलब क्या लगता है तृणमूल और बीजेपी का एक सांठगांठ है, सांठगांठ लेकर के हो रही है, सांठगांठ है ठीक है, तुम्हें जी काम की बात नहीं बोलते खान साहब, लेफ्ट की तरह चिल्लाना जानते हैं, सवाल नहीं सुनते, कोई बात नहीं सवाल फिर पूछेंगे, ज्यादा जानते हैं आप बताए ना, मैं पूछ रहा हूँ पांच क्राइम की वारदात बता दीजिए पिछले एक हफ्ते की, बुरा हाल है अगर उत्तर प्रदेश में तो बताइए ना, भाजपा को बोलते ही आपको लग जा रहा, बता दीजिए आपके मालिक भाजपा के हैं इसलिए आपको भाजपा के खिलाफ सुनना नहीं चाहते, मैं तो भाजपा के खिलाफ भी सुनता हूँ, आप बोलो चार गाली मैं निकालता हूँ भाजपा को, कर रही है आप बोलो क्या गाली निकालूं, मैं भी निकालता हूँ चार गाली भाजपा को, अगर आपका पेट इससे ही भर जाता है तो मैं चार गाली दे देता हूँ भाजपा को, सेंट्रल फोर्स किसका है,
जहाँ पर तृणमूल की सरकार की पुलिस नंगा नाचना चाहिए अगर सरकार का होकर के, तो भाजपा की आप सवाल के जवाब नहीं देते ना खान साहब, आप सवाल के जवाब नहीं देते। मैंने आपसे पूछा उत्तर प्रदेश में बुरी हालत है, मैंने कहा पांच एग्जांपल बता दो बुरी हालत के, आप आपके मुंह में दही जम गया क्योंकि कोई एग्जांपल है ही नहीं आपके पास। अरे भैया मणिपुर क्या है, अब मणिपुर आ गए आप, राजकीय अभी उत्तर प्रदेश आ गए आप, मणिपुर आ गए, थोड़ी देर में कलकत्ता चले जाएंगे। छोड़िए दुबे जी, बताइए अमित शाह जिम्मेदार है इसके, धर्म की राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, धर्म छोड़कर दूसरी राजनीति नहीं। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी, खान साहब रुक भी जाइए प्लीज, ब्रेक लगाइए खान साहब। डीजी ने लिखा और ममता बनर्जी के चुनाव आयोग से पूछा कि मुझे वो सेंसिटिव क्षेत्र बता दीजिए जहां पर अलग से डिप्लॉयमेंट होना है। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक लिस्ट उनको दे दी और कहा कि ये बूथ हैं पोलिंग बूथ। आप सोचिए कि 61,000 बूथ हों और उसमें 65,000 केवल सैनिक आने थे और 65,000 सैनिक 61,000 बूथों पर एक साथ, मतलब एक बूथ पर एक एक व्यक्ति खड़ा हो, तो उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला वो ये निकाला कि भाई आप हमें सेंसिटिव क्षेत्र बता दीजिए, उन सेंसिटिव क्षेत्रों पर सही से उसको डिप्लॉय कर दिया जाए। वहां इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया, इसमें अमित शाह जी की क्या गलती है, इसमें केंद्र सरकार की क्या गलती है। डिप्लॉयमेंट हाईकोर्ट का जब ऑर्डर आया, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अपील सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से जब क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद ही तो चलेगा। तो यहां पर जब आप ये कहते हैं कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार सेंट्रल फोर्सेस अपने मन से भेज दे क्या भाई, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये तो उनके ही गर्भ से जन्म हुए, मैं आपको अपना इलस्ट्रेशन बताता हूँ जो मेरा खुद का है। मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया था CAA के दौरान, और उस समय के केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमारे साथ थे। साहब हमको हॉस्टेज सिर्फ इसलिए बना लिया गया था क्योंकि एक घंटा बोलने के बाद इनके जो प्रोफेसर्स थे और इनके जो विचारधारा के लोग थे उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो हमको हॉस्टेज बना लिया। मौत सामने दिखाई पड़ी थी और उस समय वहां के गवर्नर मानी धनखड़ साहब गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर वहां चले गए थे, तो सरकार ने ये जवाब दिया था कि गवर्नर को बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, जबकि गवर्नर तो हमारी जान बचाने के लिए गए थे। मतलब कोई कोई ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति अगर जान भी बचाने जाएगा तो भी सरकारों को समस्या है। और उस समय केवल ऐसा नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस थी, मतलब वहां कम्युनिस्ट और वो दोनों ही थे, और दोनों ने वहां, मैं आपको बताऊं, एक घंटे के अंदर 5,000 से 7,000 लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने हत्या करने का प्रयास किया हम लोगों का, बट ये किस्मत हमारी थी कि हम वहां से निकल कर आए। ये स्वभाव है पश्चिम बंगाल का कि साहब आप, हम केवल जवाब पूछने गए थे कि CAA में आप हमसे डिस्कशन कर लीजिए, और उस डिस्कशन को भी तैयार नहीं थी सरकार। आप वो प्रकरण तो पूरे देश को मालूम है ना कि जहां धनखड़ साहब बचाने के लिए गए थे, उसका तो कोई छुपी बात तो नहीं है। तो ये जो बंगाल में चल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि जो प्रकरण वहां पर हो रहा है कि साहब, जो आप बिल्कुल उसको अगर मिलाकर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर में जब शुरू हुआ था तो शेख अब्दुल्ला ने 75 के 75 अपोजिशन के नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिए थे, और उसके बाद अगले चुनाव में लोग खड़े होने जाते थे तो पहली स्टेज पर नॉमिनेशन नहीं होने देंगे, दूसरी स्टेज पर वोट नहीं पड़ने देंगे, और तीसरी स्टेज पर प्रशासन को अपने साथ मिलाकर वोट की हेराफेरी कर लेंगे। पूरा वही प्रकरण इस समय बंगाल में दिख रहा है कि पहले तो हम आपको नॉमिनेशन ही नहीं करने देंगे, मतलब नॉमिनेशन ना करने का मतलब है कि निर्विवादित चुनाव जीत जाएं, फिर उसके बाद नॉमिनेशन करेंगे, करने के बाद अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो पेटियां उठा कर ले जाएंगे, और अगर आप फिर भी सफल हो गए, कुछ हो गया, तो फिर इलेक्शन जिस समय खुलेगा उस दिन हिंसा कर देंगे। ये सब कुछ दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा 1951 से जो वहां का प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण वहां होता दिख रहा है। आप इतिहास दोनों का उठाकर देखिए, बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। अब इसमें कोई ये कह सकता है ये कर रहा है कि वो कर रहा है, कार्यकर्ता किसी का भी हो, जनता तो बंगाल की ही ना, जिम्मेदारी तो सरकार की ही बनती पूरे है ना। देश ने देखा, जो ही पूरे देश ने देखा, CAA विरोध के वक्त जब आपको मोदी जी का विरोध करना था तो आप लेफ्ट के साथ चले गए। वही बता रहे डीके दुबे जी, कैसे CAA के टाइम पे उनकी जान की बनाई थी, CAA के टाइम पे आप लेफ्ट के साथ खड़े थे, और अब चूंकि आपको बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस बनाना है तो सीताराम येचुरी, डी राजा, ममता बनर्जी, ये सब एक मीटिंग में दिखाई देती है और 17-18 को फिर एक और मीटिंग में जाने वाली है। देखिए कैसी राजनीति है आपकी, डबल स्टैंडर्ड वाली। अच्छा।
दीपक जी मैं इनके एक एक करके सबका आंसर दे दूं, पहले आपको भी आंसर दे देती हूँ। पहली बात तो ये है देखिए कि हमने कभी लेफ्ट के साथ नहीं गए बंगाल में, लेफ्ट के साथ हमेशा से हमारा विरोध रहे, डीए के टाइम हो या सीए के टाइम हो। जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में ये जो बोल रहे हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी पे जी आप लेफ्ट के साथ बैठे पटना में अपोजिशन यूनिटी वाली मीटिंग में, हाल ही की बात है। अच्छा आपके बाद का आंसर दे दूंगी मैं, एक बार रुकिए उनका आंसर दे दूं पहले। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो उनके इन्होंने बताया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में टीएमसीपी का कोई यूनियन नहीं है, टीएमसीपी वहाँ पर कोई वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन हमारे नहीं है, तो वहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी में तृणमूल का जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात तो है बंगाल को, जो बंगाल की जो यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, सारा विश्व में इसका एक रैंकिंग आता है। जो भी यहाँ का यूनियन में है हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, बंगाल को बेकार में बदनाम ना करे बैठ के। दूसरी बात है लेफ्ट फ्रंट की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो लास्ट दो पंचायत इलेक्शन के मैं थोड़ा आपको आंकड़े बता दूं, जहाँ पर डे ऑफ नॉमिनेशन से लेके बिफोर पोलिंग तक 45 लोगों का मौत हो गया। 2003 की बात बोल रही हूँ, दिन बोलिंग के दिन 35 लोगों का मौत हो गया था और पोस्ट पोस्ट वायलेंस में हो गया था 27 लोगों का मौत। और उसके बाद 2008 के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे, नॉमिनेशन से लेके पोलिंग के बिफोर पोलिंग 17 लोगों का मौत हो गया था, डे ऑफ पोलिंग 22 लोगों का मौत हो गया था और पोस्ट पोल वायलेंस में 13 लोगों का मौत हो गया था। ये है वामपंथियों के टाइम जो बोल रहे थे, इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे और 1200 से ज़्यादा लोगों का घर जला दिया गया था विपक्षियों का। तो ये संघर्ष करते हुए ममता बनर्जी आज नेत्री बनी है बंगाल में और ये सीपीएम सुनने में आ गया। उन्होंने ये झेला है लेकिन वही तो यही तो ममता बनर्जी दूसरों के साथ करवा रही है जो जेल के जिससे लड़के वो आई है। और मैं आपको अब आपका भी जवाब दे दूं बैलेट पेपर बदल क्यों जा रहा है, बीजेपी है बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए उठा के फेंक दिया जा रहा है, जो भी हमारे साथ एक साथ आना चाहते हैं वो सारे पार्टी को हम लोगों ने बुलाया है पटना में, जरूर ममता बनर्जी पटना में गई थी और आने वाले दिनों में भी इलेक्शन करा के देख लें समझ में आ जाएगा। हम लोग विपक्षी एकता को हम लोग जाएंगे बीजेपी के खिलाफ क्योंकि बीजेपी के जो काला कानून है इनके खिलाफ बीजेपी को हटाने के लिए हम लेफ्ट से भी हाथ मिला लेंगे। बड़ा भाषण देते हैं बलात्कारी बलात्कार बोल के चिल्लाते हैं और खुद बिल्किस बेनु के बलात्कारी के साथ उनके मंत्री दिखाई जाता है, इनके दिखाई देता है गुजरात में। यहाँ पर जो कुलदीप सिंह सहगल है ये कौन है, बीजेपी का एमएलए है जो बलात्कारी है, जिनको जेल से आने के बाद ये लोग माला पहना के घुमाते हैं। तो अरे ये जेल में कुलदीप सिंह सहगल जी, इनके आरोप भी ढंग के लगाइए ना, आरोप सच तो लगाइए। हम लोगों ने जरूर एक साथ लड़ेंगे। कुलदीप सिंह सहगल जेल में है, उसको किसी ने माला नहीं पहनाई, आरोप भी जरा तथ्यों के साथ लगाइए। हम भाई वहां पर अरे तथ्य बोल रहे हैं आपको, कुलदीप सिंह सहगल को किसने माला पहन के घुमाए, ये तो बीजेपी का ही एमएलए है ना। तो आज हम लोग कोई बोल रहे माला पहना के घुमाए बीजेपी है, एक्चुअली वो करते नहीं है, एक जुमला पार्टी है। इस जुमला पार्टी के खिलाफ सारे विपक्षियों को आगे आना है, जो बात बात चाहे वो लेफ्ट वाले हो सीबीआई ईडी बोल दीजिए, चाहे वो लेफ्ट वाले हो और खुद के राज्य में क्यों नहीं वो बता रहे हैं, बोल दीजिए ना बीजेपी को हराने के लिए हम लेफ्ट से हाथ मिला लेंगे, इतना बोल दीजिए, इतना बोल दीजिए बीजेपी को हराने के लिए हम नेशनल लेवल पर लेफ्ट से हाथ मिला लेंगे, बोल दीजिए इतना। 2024 में हम लोग जो एक विपक्षी एकता है उसमें जो जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहेंगे सभी को हम लोग शामिल, चाहे वो लेफ्ट हो उस एकता में, वो कांग्रेस चाहे वो लेफ्ट हो सीपीआई हो कोई भी पार्टी हो, आप बोलो ठीक है, लेफ्ट से हाथ मिला लेंगे, लेफ्ट भी अगर आना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तो स्वागत है 2024 के इलेक्शन के लिए स्वागत कर रही है डीएमके वाले, बीजेपी के खिलाफ जरूर लड़ेंगे, इनके काला कानून के खिलाफ हम लोग जरूर लड़ेंगे। साहब स्वागत कर रही है टीएमसी का, टीएमसी लेफ्ट का स्वागत कर रही है, क्या कहेंगे किसी के स्वागत की आवश्यकता नहीं है, नहीं ले लीजिए ना स्वागत कर रही है, पूरे माला भी पहन लीजिए साहब, क्या दिक्कत है, इनके स्वागत का जरूरत नहीं है, हमें किसी के स्वागत का जरूरत नहीं है, जनता को स्वागत करे, हम जनता का स्वागत करते हैं, हमको भाजपा और तृणमूल को स्वागत का कोई जरूरत नहीं है, हम पूरे देश भर में तमाम धर्म निरपेक्ष शक्तियों को इकट्ठा करके
भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा सिर्फ देश का वो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि देश को बर्बाद कर रहा है। ये भाजपा की सरकार है जो बेरोजगारी बढ़ा रही है, कोई रोजगार नहीं। देखिए कुछ दिन पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस का दुर्घटना क्या हो रहा है हमारे, सिर्फ गति, सिर्फ प्रधानमंत्री जी वो एक रेल का उद्घाटन कर रहे हैं जिसकी गति बहुत अनेक हो, लेकिन रेल की पटरी का नहीं हो रहा, रेल में कोई नियुक्ति नहीं हो रहा, दुर्घटना होगा और खामोश रहेंगे। सब बेच दिया जा रहा, जमीन से आसमान बेचा जा रहा है, हर कुछ प्राइवेट कर दिया जा रहा है, कुछ नहीं रहेगा, बेकार लोग बैठे रहेंगे, पकौड़ा बेचते रहेंगे और भारत की सरकार बैठी रहेगी, चुप्पी साधेगी और कब बोलेंगे, मुतालबा करेंगे कि हमको रोजगार दो, शिक्षा दो, तो वहाँ पर इनको जो है विभाजन किया जाएगा। और ये विभाजन की राजनीति जो कर रहे हैं इसके खिलाफ हम लड़ेंगे देश के अंदर, जो संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान को जो लोग मानते नहीं। अभी अचानक निर्वाचन जब सामने आया तो यूसीसी सामने लेकर के चले आए, क्योंकि समझ रहे हैं जनता भाग रही है, देश की जनता समझ रही है। फ्री एंड फेयर पोल इलेक्शन अगर बंगाल के अंदर भी आज पंचायत का होता, तृणमूल को उखाड़ के बंगाल की जनता फेंक देती। पर अभी तो स्वागत कर रही है ना, स्वागत तो ले लीजिए, साथ ले लिया जा रहा है तृणमूल का, स्वागत तो ले लीजिए फैसा, पूरा देश का वही हाल होगा। अभी तो आंकड़े बताया सीपीएम को, तो थोड़ा बोलिए बोलिए, गिरवार में झांक के देखना चाहिए। अभी तो आंकड़े बताया, अरे अभी तो आपने स्वागत किया, बोल रहे गिरवार में जाके, जो ये दो डबल बात कैसे हो गई, आंकड़ा दे रही है, सब गलत आंकड़ा दे रही है, गलत आंकड़ा दे रही है। असल में वो मुख्यमंत्री से यही सीखी है अपने नेत्री से, गलत आंकड़े और आप सही बोल रहे हैं। अरे अभी तो स्वागत कर रही थी जूही जी, अभी तो फैसला स्वागत कर रही थी बीजेपी को हराने के लिए, अब झगड़ा क्यों, एक ही झूठ वही बोला जाता है। आंकड़े मंगा लीजिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं आप कोर्ट में चले जाइए, आंकड़े मंगा लीजिए कोर्ट से। अरे जूही जी, अभी तो आप स्वागत कर रही थी, अब क्यों झगड़ रही है आपसे, बीजेपी को हराना है आपको। से पालन होता तो आपकी मुख्यमंत्री अपना कैबिनेट मीटिंग जेल के अंदर करती, और कितना कोर्ट और ऊपर से बैठ के यहाँ पर लेक्चर दे रहे हैं। अरे इतना तो आप एक भी नहीं निकाल पाई जूही जी, बाम मोर्चा के एक मंत्री एक नेता के खिलाफ करप्शन का चार्ज नहीं निकाली, और आपके मुख्यमंत्री से लेकर भाईपों से लेकर सब लोगों के खिलाफ, कोयला चोर है, लोहा चोर है, लोग गोरु चोर है, क्या क्या नहीं कर रहे वो लोग, नारदा शारदा सब तो आपके खिलाफ है, सबको आप क्या बोलेंगे बताइए, नीचे से ऊपर तक आप जो है जितना इसमें डूबी हुई है। ममता दीदी के खिलाफ अधीर चौधरी बीजेपी के एजेंट होके बंगाल में काम करता रहता है, सबको पता है। ये लेफ्ट वाले बीजेपी के एजेंट है कि नहीं है, ममता जी को भी बताइए, लेफ्ट वाले बीजेपी के एजेंट है कि नहीं है, इसलिए अधीर एजेंट तो है कि हम डायरेक्ट बीजेपी नहीं करते। बोलिए जूही जी, बोलिए, लेफ्ट वाले बीजेपी के एजेंट है कि नहीं है जूही विश्वास जी, आप बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए। हेलो हेलो, हाँ एक बार क्वेश्चन सुन रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए क्वेश्चन बोलिए, क्या बताना है, बोलिए पूछिए, क्या कोई बात नहीं, अभी आप झगड़ लेंगे फिर 17-18 तारीख को एक साथ बैठ जाएंगे, इधर भी आंखों में धूल झोंकेंगे, उधर भी आंखों में धूल झोंकेंगे। अब मैं जा रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास, देखिए एक तरफ झगड़ा कर रहे हैं, एक तरफ दोस्ती कर रहे हैं, फिर पांच मिनट में झगड़ा, फिर पांच मिनट दोस्ती, फिर पांच मिनट में झगड़ा, फिर पांच मिनट में दोस्ती, प्रेम शुक्ला जी ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, कितना करेंगे आप, आप बताइए, भाजपा का इतना दलाली मत कीजिए, चैनल को थोड़ा सा, फैसा मैं आपसे तमीज से बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा तमीज से रहिए, फैसा मैं भी आपके खिलाफ बहुत निचले स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेफ्ट के बारे में जानता हूँ मैं आपकी कलाई, एकदम कर लीजिए, हाँ हाँ, इसीलिए आजादी है, मैं सभ्यता और शिष्टता बचा के रखना चाहता हूँ, आप मेरे मेहमान है, इसीलिए मैं अपने घटिया शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जो आप मेरे लिए कर रहे हैं, वैसे आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए फूल है, कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम शुक्ला जी, येलो जर्नलिज्म नहीं हो, जर्नलिस्ट जो है वो देखिए जर्नलिस्ट का काम होता है क्या अपेक्षा नहीं होता, जिस कम्युनिस्ट पार्टी जिस कम्युनिस्ट विचारधारा ने करोड़ों निर्दोषों के प्राणों की प्राण लिए हों, हत्याएं की हों, जो नृशंस हत्यारे हों, उन हत्यारों से आप अच्छे शब्दों की अपेक्षा कैसे कर सकते दीपक जी। और अभी आपने इस चैनल पर ही देख लिया कि कैसे जो है तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई ये दोनों एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की जान भी लेंगे और एक दूसरे के साथ जो है पूरी शान के साथ खड़े रहेंगे, इनके दोगलेपन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, दोगला कहना, दोगला शब्द बहुत हल्का है कि ये लोग जो है एक तरफ तो एक दूसरे के प्राणों के भूखे बन जाएंगे चुनाव के समय, लेकिन फिर भी गठबंधन ये करेंगे। आप मिस्टर खान से पूछेंगे
कि आप तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पंचायत चुनाव के समय जिस तरह का हिंसाचार किया उस पर आप सवाल पूछेंगे तो दाएं बाएं यहां वहां सब बात कर लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के विरुद्ध लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि जो नृशंसता इन्होंने प्रारंभ की, जो इन्होंने हिंसा का दौर प्रारंभ किया, जो लोकतंत्र की हत्या की इन्होंने क्रम शुरू किया, आज वही क्रम उसको और विस्तार देने का दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी ने कर रखा है। हर तब भाई आप अपने विरोधियों को लोकतंत्र में फॉर्म नहीं भरने देंगे, अगर उसने फॉर्म भर दिया तो उसको बूथ पर अपना प्रचार नहीं करने देंगे, प्रचार कर लिया उसको बूथ पर वोट नहीं डालने जाने देंगे, वोट डाल लिया उसको मतगणना करने नहीं जाने देंगे, मतगणना कर लिया तो उसके परिवार के ऊपर बलात्कार हो जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, उसको बंगाल छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है क्या? ये कम्युनिस्टों ने जो चीन में किया, कम्युनिस्टों ने जो सोवियत संघ में किया, सोवियत संघ में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी, इन्होंने जो है जो चीन में करोड़ों लोगों की हत्या कर दी, ये बंगाल और केरल में आए, बंगाल में हजारों हजार की हत्या कर दी, क्योंकि हत्यारे हैं, ये नृशंस हत्यारे हैं, ये फैज अहमद खान जो है हत्यारों की पार्टी से है, इनका लोकतंत्र से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। समझ गए, ये हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, छलात्कारी हैं, बोलना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन में, बोलना चाहिए। आरएसएस के प्रवक्ता हैं, जानता है मैं, जानता हूँ आप चीन के चंदे, आरएसएस के प्रवक्ता हो, ये बोलो ना यार, पता है आप चीन के चंदे बोलने में, उसके चंदे पर पल्ले वाले हुआ है, पटेल जी बैन किए थे एक जमाने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस को बैन करने के बैन नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए ना, मुझे पता है पाकिस्तान के दलाल हैं, आप परिचय दीजिए ना, पाकिस्तान के दलाल हैं, बांग्लादेश के दलाल हैं, एकदम आपको जानते जी, आपका परिचय हम जानते हैं, भाजपा कहाँ की है, फैज अहमद खान जो है भाजपा, अदानी अंबानी की दलाली कर रही है, ये चंपू है चीन के, जो चीन जो है, जो चीन मस्जिदों में घुसने नहीं देता है मुसलमानों को, उस चीन के चरण चाटने में स्वयं को धन्य पाने वाले बड़ी मस्जिदों को, फर्क यही अंतर यही है कि आप मस्जिदों को शहीद करते हो, चंपुओं को लोग भली बात जानती है, चीन के चंदे पर जो पल्ले वाले दलाल हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो चीन के लिए उनको लोग जानते हैं, खान आप कितने घान हैं ये हम लोग की समझ में आता है, आप फैज अहमद घान हैं, आपने विचारधारा का जो कचरा है वो चीन से जो आयात किया है उसको आप बंगाल में जो लागू करने का कुकर्म कर रहे हैं उसको देश भली भांत पहचान रहा है, आपके चेहरे को जानता है कि यजीदियत आपके चेहरे पे चस्पा है, वो दिख रहा है आपके चेहरे पे भाई साहब, आप कितने दोगले हैं कि आप बंगाल में लड़ेंगे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो है गलबैया डाल के टहलेंगे, आपकी दलाली दिखाई दे रही है भाई, आपका दोगला आपको दिखाई दे रहा है, प्रमाणित, मैं नहीं गुस्सा हो रहा हूँ, चेहरा आप अपना चेहरा देख लीजिए, आपका चेहरा चीन के चिल्लू चंपू जैसा दिख रहा है, दिखा रहे आपका चेहरा चीन रहे के चंदे पर पलने वाले चंपू की तरह दिख रहा है, आप आईना देखने लायक हो ही नहीं साहब, आपका चेहरा आईना दिखा रहे हैं, वो आईना फोड़ देगा, आप जैसे शाखा जी आईना देखिए अपना, आपका चेहरा दिख रहा है ना, आईना में आप जो कुछ कह रहे हैं ना, खून से सना हुआ है, आपको बलात्कारी का चेहरा है, आपका आपका चेहरा बलात्कारी का चेहरा है, आपका चेहरा खूनी का चेहरा है, बिल्कुल, आपका चेहरा भ्रष्टाचारी का चेहरा है, आपका चेहरा अनाचारी का चेहरा है, आपका चेहरा व्यभिचारी का चेहरा है, आपका व्यभिचार अनाचार भ्रष्टाचार ये सब आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, आप जिहादी है, आप जिहादी है, जिहादी है, आप जिहादी है, जिहादी आईएसआई के टुकड़े पर पलने वाले जिहादी है, पाकिस्तान के जिहादी होंगे हम, पलने वाले चीन के चरण चाटने वाले जिहादी हैं, जिहादी हैं, हम जिहादी हैं, वो तो दिख रहा है ना, अरे शुक्ला जी निश्चित तौर पर जिहादी है, और ऐसे जिहादियों को कुचलना हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक धर्म है, और आप जैसे जिहादियों को कुचलेंगे, आप जैसे चीन के चाटुकारों को जो है निश्चित तौर पर जो है चटनी चमक सिखाएंगे, हम एकदम से चटनी कर देंगे, चीन के देखे थे ना किसान और मजदूर दिखा दिए थे, मोदी जी को घुटना टेकना पड़ा था, और बनेगा बेटा अच्छी तरह से बनेगा, एकदम अच्छी तरह से, जैसे घुटने टेक के ममता बनर्जी के तले में कैसे आप चाट रहे हो, लपा लपा घुटना चाटे, लाल को नहीं खत्म कर सकते, कैसे ममता बनर्जी के तले में चाट रहे हो, आपका गेरुआ नहीं है, ये लाल है, समझ रहे हैं आप, ये बहुत लोगों के खून से लगा हुआ ये, चलिए मैं यहीं पर रहूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त नहीं है, डीके सुरेंद्र राय जी, डीके विश्वास जी, फैज अहमद खान साहब, चंदन घोष जी, डीके दुबे जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।